महिला सैन्य अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है, अगर ये नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। और क्या कुछ कहा कोर्ट ने, देखिए इस रिपोर्ट में। शॉर्ट सर्विस कमीशन में परमानेंट कमीशन देने के मामले में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा, महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने के लिए ACRS का तरीका भेदभावपूर्ण और मनमाना है। आर्मी का यह तरीका महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का समान अवसर नहीं दे पाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा, सर्विस का गोपनीय रिकॉर्ड मेंटेन करने की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी होनी चाहिए। इसके मूल्यांकन की प्रक्रिया नए सिरे से तय की जाए ताकि किसी अधिकारी के साथ भेदभाव न हो। हालांकि 2010 पे ही दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले पर फैसला दे दिया था, लेकिन इस फैसले पर अमल करने की जगह सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहां से भी फैसला आने के बाद भी महिला अधिकारियों को राहत नहीं मिली। इस पर कोर्ट काफी सख्त रहा। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 2010 में इस पर फैसला दिया था। 10 साल बीत जाने के बाद भी मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन न देना सही नहीं है, ये भेदभावपूर्ण और अनुचित है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा निर्देश दिया कि वो 1 महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करे और नियत प्रक्रिया का पालन करते हुए 2 महीने के भीतर उन अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे। DV लाइव की रिपोर्ट।